20s. Thank you. Elvis bhai, welcome. System hila rakha hai. Welcome, welcome. मैंने कहा कैमरा बंद करके बात कर लेते हैं. वेरी मच, थैंक यू. वेलकम टू बिग बॉस हाउस. थैंक यू, फैसिनेटिंग. वाओ, आप देखते हैं शो हमारा? हाँ जी बिल्कुल, शो देखता हूँ. जब देखता हूँ तो मुझे ये इतना ब्राइट और कलरफुल जितना एक्चुअल है उतना स्क्रीन पे थोड़ा सा ये सपने का है. हाँ, इट्स लाइक रियली नाइस एंड द सस्टेनेबिलिटी थीम. आई होप यू फील द सेम अबाउट अस. भाई गरम कैसे लगाई थी? गोस फॉर हिम, ही लुक्स मच काम. पता नहीं अभी थोड़ी देर में शायद अपने रंग में आएगा भाई. बट या ऑब्वियसली एवरीवन लुक्स मच बेटर. एंड पता नहीं आपके, I don't know if I should say this or not. You must. I should. जो नहीं कहा जाता है बाहर यहाँ कह दो. ठीक. I don't know the perception that is being built about your weight and everything. You don't really look as hefty that as you. Yeah, baby. That's exactly the same. As what I also get to hear when my subscribers meet me in person. जी. आप कैमरे पे थोड़े हेफ्टी लगते हो ना. कैमरा एड्स 10 पाउंड्स. या तो फिर आप एक्स्ट्रा वाइड लेंस लो ताकि अगर आप सेंटर में रहोगे तो आप पतले लगोगे. आपको पानी वानी देखो. आई एम इट्स रियली ब्राइट नाइस. कम आई आई देखिए घर हमारा. आपकी माता जी को नमस्कार. अरे कैमरे में. कैमरे में. हाँ जी, माता जी को नमस्कार मेरी तरफ से. थैंक यू सो मच. कनाडा से कब आए आप? कनाडा से मेरे को हो गए जी, आए हुए कुछ तकरीबन 2-3 हफ्ते के आसपास. वाइफ को छोड़ के आए हूँ तो थोड़ा सा अजीब भी लगता है, मगर अपने देश. टोरंटो वैंकूवर कहाँ पे? ऑटावा in the capital region. Yes. Yes. My wife is from Montreal though. I saw, that's beautiful. And she's a French Canadian. Ah, oh, wow. Hanji, okay. Hanji, Hanji. Aap shaadi shuda hain? Hanji, Hanji, shaadi shuda hain. Shit. Are ruko na yaar, hame sab wo ending nahi hota. फिर आप इतने खुश कैसे नजर आ रहे हैं? क्योंकि आपको अगर अपनी पसंद का और आपकी लाइफ में ऐड करने वाला, वैल्यू ऐड करने वाला पार्टनर मिल जाए. अच्छा. तो फिर आपको ये लगता है कि आपकी जिंदगी बहुत आसान होगी. बिल्कुल. शी एक्सेप्टेड मी एट अ स्टेज इन माई लाइफ कि मैं बिल्कुल खत्म हो गया था. मतलब आई यूज्ड टू रन अ वेरी नाइस मल्टी मिलियन बिजनेस, सारा बैठ गया मेरी लाइफ में, पर्सनल प्रॉब्लम्स आई, एवरीथिंग, एंड मैं सिर्फ 12वीं पास हूँ. मैं भी 12वीं पास भी नहीं हूँ. लास्ट पेपर में मैंने बोला कि नहीं, मेरी जिंदगी यहाँ नहीं. कैमरामैन जल्दी फोकस करो. वो एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं कर सकती इन मेनी वेज, बट किस्मत, अपॉर्चुनिटीज, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, सबका रोल होता है. तो उसने मुझे लाइफ में तब एक्सेप्ट किया व्हेन आई वाज एट द लोएस्ट ऑफ द लोज. And she was fairly established as an individual corporate, like in tech consultancy. और मुझे ये लगता था कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरा बिजनेस बंद हो गया, तो मुझे हिस्ट्री इज माई पैशन एंड माई हॉबी. आई वॉन्टेड टू बिकम अ प्रोफेसर. तो उसने मुझे बोला कि तू 7 साल यहाँ पे पढ़ कनाडा में, आई विल पे योर फीस एंड एवरीथिंग. और बट मैं उस टाइम थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा हुआ था, तो मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी ट्रैवल से रिलेटेड. वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लोगों की लगे, तो थोड़ा सा वो किक ऑफ कर गया. एंड देन शी वॉज लाइक द रीजन ऑफ मी गेटिंग आउट, कमिंग आउट. इसीलिए मैं आपको बहुत खुश करता हूँ. तो हम उम्मीद करेंगे कि हम सबको भी ऐसा ही पार्टनर 100% मिलेगा. मतलब मुझे जब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी तब मिल गया, तो सबको मिल जाएगा. शायद हमको भी मिल जाए. हाँ, वैसे आपको मिल जाएगा. आपको स्वदेशी पसंद है या विलायती भी चलेगा? दोनों चलेगा, बट मेरे को देसी ज्यादा प्रेफर. पापा ने विलायती को ज्यादा अप्रूव नहीं किया, याद है ना? पापा बोले स्वदेशी मुंडा ही चाहिए. अच्छा, मैं कह रहा था वैसे मेरा साला है. जैसे आपकी टोन है ना, पूरी प्रॉपर जैसे स्टाइल है ना, जो आपका स्टाइल बंदा कह सकता है, दिस इज लाइक द सन ऑफ द. तो वो जो है ना, वो फ्रेंच कनाडा का ऐसा बंदा है. वो ऐसा ही बंदा ऑलमोस्ट. उसने उसको बोलेगा मेरे को, नो वन कैन रिप्लेस हिम दो, बट ही इज प्रीटी गुड. उसको बोलेगा एम छोड़ देने के लिए. अच्छा, चलो जैसा होगा मांगेगा. ये खुद चेक करती है. अच्छा, ओके. स्पेशली लड़का लोग हम चेक कर लेते हैं. ठीक है, ठीक है, ठीक है. फिर एक बार घर की टूर ले लेते हैं, फिर बात करते हैं ट्रैवल के बारे में. लिविंग एरिया यहां होता है, वीकेंड का बार यहां से वीकेंड.
ओके नाइस नाइस। वो बेडरूम जोन इधर आइए, बेडरूम के अंदर आइए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। मेरे को जब मैं हॉस्टल्स में अपनी बजट ट्रैवल की जब सीरीज शूट करता हूँ तो स्लीप इन हॉस्टल्स सबसे ज्यादा परेशानी होती है खराटों की। नेक्स्ट लेवल आप में सब कोई खराटे? वो मेरी बेड पार्ट करती है, थोड़ा थोड़ा बेबी का लेती है। चुप कर, मैं बातें करती हूँ। खराटे नींद में नहीं मारते, ये खराटे जब भी जागते हैं तब मारते। तू नींद में भी मेरे बारे में सोचता रहता है? ठीक है, तो सबका तो पता है कौन कहाँ सोता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। Nice, nice, very cute beds, very life-like, I would say. एक तो sustainability theme is very nice. ये क्योंकि मैं हमेशा whenever you travel to western countries, मैं you see like different trash cans के recycle के लिए, plastic के लिए अलग है। और लोग सही 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 container में डालते भी हैं। Yeah, yeah, yeah. तो वो उस चीज को देख के कई चीजें ऐसी होती हैं जब आप बाहर जाते हो। This is a very good fine example with the kind of following. जी हम कर रहे हैं, लेकिन इस घर में platform colors काफी प्यारे हैं। हाँ, color तो it's like very very nicely done, I would say. Piece of art अपने आप में, and it's sad that it won't be here for too long. Yes. मैंने सोचा कि मेरे जाने से पहले दुनिया में travel vlog देखते हैं, तो ये सबके साथ मिलके एक travel vlog इस घर का भी बना लिया। याप 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 याप। तो अभी दूसरा जगह चले? हाँ जी please. और वो मनीषा रानी का जोन है। अच्छा, ओके। ओटीटी जोन। ओटीटी अड्डा, जिसको मैंने रीनेम किया है हॉरिजॉन्टल जोन। अच्छा, यहाँ सब सो जाते हैं, थोड़ा यहाँ पे आते ही मतलब ऑटोमेटिक आपको नींद आने लगेगा। ऐसा यहाँ ऐसा लेटते ही आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, पता भी नहीं चलता कब सो गए। सिर्फ आवाज आते कुकड़ू और फिर तुम्हारी आत्मा एकदम। मेरे को एक चीज बड़ी खुशी हो रही है आके, वो ये है कि आई थॉट आई वाज थिंकिंग हूम आई एम गोना आस्क फॉर रिक्वेस्ट फॉर अ हाउस टूर, बट एवरीवन इज एक्टिवली सो पार्टिसिपेटिंग इन हेल्पिंग सी एंड एक्सपीरियंस थिंग्स रियली थैंक्स। थोड़े टाइम बाद व्लॉग में आ रहे हैं ना घर पे। हां जी हां जी, यू गाइस मस्ट बी मिसिंग लाइक इंटरेक्शन। थोड़े टाइम बाद कैमरा के सामने व्लॉग में आ रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है। Oh my God. अच्छा, आपके लिए भी अनाउंसमेंट आ गया, सिर्फ हिंदी में बात कर रहे हैं। आई स्वेयर मैं कैमरा बहुत टाइम बाद होल्ड कर रहा हूँ। आई स्वेयरिंग एंड आई लव इट। वाओ, ये व्लॉगिंग की फील मैं बहुत टाइम से सेवन कर रहा था। तो आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं अपना किचन। अरे पढ़ने दे थोड़ी सी यार, बिकॉज थोड़े टाइम बाद बहुत टाइम बाद पकड़ा मैंने कैमरा। ये ओ माय गॉड, वाओ पकड़े आप अपना क्लोजर। ये यहाँ पर हमारा कन्फेशन रूम है। मर्जी होगी तो बाहर क्या, उसमें तो आपकी मर्जी होगी। मर्जी सारी पार्टियों की लगती है। भगवान का आशीर्वाद होगा, मर्जी तो आपकी। ये हमारा मर्जी अकेले में उसकी पहले कन्फेशन रूम। आइए, अच्छा ठीक है, हम लोग अंदर जाते हैं। मेरे को अभी तक बस एक ही बार बुलाया, चाहते हैं कि एक दो बार बिग बॉस और बुलाए। अच्छा कोई नहीं, हम बाहर डाइनिंग टेबल पे कन्फेशन लगा लेंगे, मसाला मिलेगा उसका। नहीं आप अच्छा बोल रहे थे, कुछ चाय वाय लोग जी, चाय वाय पियोगे यार? आपके राशन वगैरह की प्रॉब्लम? अरे राशन का नहीं, चाय चाय बन जाएगा। आपकी भी मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे सोचती इंग्लिश में हूँ, तो जो इंग्लिश इज द ऑर्गेनिक मेरी दादी जो थी वो अंग्रेजी सीख रही थी, तो शी वुड स्पीक टू मी इन इंग्लिश। मेरी माँ क्रिश्चियन है। ठीक है ठीक है। और आप ओरिजिनली कहाँ से हैं? मैं ओरिजिनली फरीदाबाद से हूँ। सब इनके पास ही आ रहे हैं, इसलिए आ के आप लोग हमारा ज्यादा कर रहे हैं। मैं पैदा हरियाणा में ही हुआ था, बट रूट से पंजाबी हूँ, ऐस करके मैं एनाली बोली नहीं बोल सकता। मैं जड़ी नहीं की गल कर रहा हूँ। कई लोगों को लगता है कि लहजा है, बट इट इज एक प्रॉपर भाषा है। जी बिल्कुल।
बाथरूम चलना है उधर, मतलब दिखाने के लिए टूर? मैं अभी अभी हो गया हूँ, मैं चेक करना चाहता था कि जो मैनेजी बहन है उसमें काम कैसे करता है, क्योंकि मैं मोटर होम हम आपको वॉशरूम टूर देंगे, वॉशरूम टूर, टूर का बात कर रहे हैं, टूर वाला पार्ट ऑफ द हाउस। एब्सोल्युटली सॉरी, व्हाट यू रॉन्ग, आपका मोटर होम है? हां जी हां जी, मैं अपनी मदर के साथ एक मोटर होम खरीदा था सेकंड हैंड, उसको लेके क्योंकि उस टाइम पर तरीका वही था ट्रैवल करने का, तो मैं अपनी मॉम के साथ उसमें पूरी कनाडा की रोड ओवर लाइक 2 months आई क्रिएटेड 50 एपिसोड्स शेयर किए वहां से, क्योंकि कोविड भी था तो उस टाइम लोग काफी देखने वाले भी थे, तो उससे थोड़ी सी चैनल को और किक और ग्रोथ मिली। बजट ट्रैवल ब्लॉगिंग से पहले की लवली, व्हाट अ यूनिक वे टू ट्रैवल। अब मैंने रिसेंटली यूएसए में एक और खरीदा नया, और मेरा प्लान है कि उसको मैं यूएसए ट्रैवल मैंने कर लिया, अब उसको एक शिप पे डाल के उसको मैं भेजूंगा यूरोप, और फिर यूरोप ट्रैवल करूंगा अपनी वाइफ और मदर के साथ। वंडरफुल, क्या खरीद लिया आपने यूरोप? मोटर होम, घर खरीद लिया। जैसे वारंटी होती है ना, अच्छा। वो बेसिकली चलती फिरती एक ऐसा व्हीकल है जिसमें आप रह भी सकते हो, घर पहिए पे, हम लोग किचन बाथरूम सब कुछ है उसके अंदर। हाँ जी हाँ जी, हम लोग बात कर रहे थे इसी चीज के बारे में। मैं आपको तब से देखना मैंने स्टार्ट किया जब से आपको बताते ना कि यहाँ पे शिफ्ट कैसे हो सकते हैं दूसरी कंट्री। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कनाडा जी। आपको कोई विचार तो नहीं था? मेरा एक टाइम पे विचार, ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊँ मेरी कितने साल हो गए आपको? हाँ जी, कितने साल हो गए आपको अब वहाँ पर है? कनाडा में मैं एक्चुअली टेक्निकली वहाँ पे हूँ, सर्दियाँ वहाँ बड़ी डांटी, जैसे कहते हैं ना माँ और मुल्क बदले नहीं जाते, नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते, तो मैं हम सर्दियों में इधर आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे -30 -25 कुछ भी जा सकता है, और गर्मियों में, और वैसे भी मैं साल में 8 महीने तो ट्रैवल वीडियोज ही बना रहा हूँ, तो मैं एक जगह पे होता ही नहीं, तो इसीलिए बस मैं यही कह सकता हूँ मैं फरीदाबाद का हूँ, दैट इज माई परमानेंट प्लेस। चलो बॉस वाले के लिए आए या फिर यहाँ अभी हैं? दो गांवों के लिए, इनके लिए तो आना ही आना था, बट मैंने सोचा कि आए हूँ तो एक काम साथ में और कर लूंगा। अच्छा। वो कुछ गाड़ी से रिलेटेड है, पता नहीं मुझे अलाउड है कि नहीं है यहाँ पे बताना, या बाहर की बात नहीं कर सकते अभी फिलहाल। कोई बात नहीं, तो कबाड़ गाड़ी से रिलेटेड। तो ये हमारा बाथरूम एरिया है और ये 4 बाथरूम है, एक नहाने का और इधर, और आप देख सकते हो ये किस चीज से बना है, लूफा। नाइस, बहुत बढ़िया। और आप लोग वैसे घर ऑर्गेनाइज्ड बहुत रखते हो, तो हमेशा हमारे, मेरे साथ क्या होता है कि हाँ बहुत ऑर्गेनाइज रखते हैं वैसे, ये डोमेन का जिम्मेदारी डे वन से मेरी थी। मैं शेमलेसली ये कहूंगी कैमरा के सामने, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे पर्टिकुलरली कि कौन है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे शुरू से हम लोगों को हैबिट होती है, तो अब